पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ईडी को निशाना बनाते हुए किए गए हमले का जवाब देते हुए कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सवाल का जवाब डॉक्यूमेंट से ट्वीट करके दिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गरीबों के लिए योजनाएं बनी, एक भी आरोप हमारे मंत्रिमंडल में 15 साल के अंदर विपक्ष ने न कभी लगा पाया और न ही कभी जाँच हुई। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहे, उनके कार्यकाल में मैं मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी एक भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। ये 15 साल का चमत्कार है। ये भूपेश जी का जवाब है। मुख्यमंत्री सीधा ठोक ठोक के चिल्ला के बोल रहे थे कि एक रुपया भी कहीं संपत्ति जब्त नहीं की गई, कोई नहीं किया गया। उसके जवाब में ईडी ने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा ईडी हैज प्रोविजनली अटैच्ड 90 इमोवेबल प्रॉपर्टी, लग्जरियस व्हीकल्स, ज्वेलरीज, कैश वर्थ 51 करोड़ बिलोंग टू किसके किसके द्वारा, जो रिटायर जो अधिकारी हैं उनके लिए, जो इस पूरे छापे में जिन्हें पकड़ा गया, सूर्यकांत हो, रानू साहू हो, उनके खिलाफ 90 करोड़, जो कोल लेवी में एक्सटर्शन का काम करते थे और कोल स्कैम में जुड़े हुए थे उनके खिलाफ, और कुल मिला के उन्होंने अंत में कहा कि 221 करोड़ के टोटल अटैचमेंट प्रॉपर्टी का और कैश का किया है, ये पहुंच गई है। तो 221 करोड़ ये 91 करोड़ मिला के ये आज ईडी ने अपने बयान में कहा। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं, जो इतना बड़ा घोटाला चल रहा है शराब में, 30-40% की अवैध वसूली चल रही है, जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। ईडी ने तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किया, मगर ये तो सबको जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। होटल पांडेला में चर्चा जिस बात की होती रही है कि इतना बड़ा घोटाला शराब में चल रहा है, कोयले की तो पकड़ हुई है, कोयले के बाद अब एक रेत और बाकी रह गया है, उसमें भी ऐसे ही करोड़ों रुपये की अवैध कमाई चल रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री के बाद कुछ रास्ता नहीं बचता। ऐसे सरकार जिसकी सरकार के जिनके संरक्षण में इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उन्होंने एक मिनट भी अपने पद में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गरीबों के लिए ही योजना बनी, गरीबों के लिए 1 रुपये किलो चावल की योजना बनी, गरीबों के लिए आवास की योजना बनी, गरीबों के जीवन में परिवर्तन हो, किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, किसानों का 16% ब्याज दर को घटा के 0% ब्याज दर को घटा, उनकी बेटियों को निःशुल्क शिक्षा की योजना, जितनी भी योजनाएं हमने गरीबों के लिए बनाया, एजुकेशन हब बनाने का काम हम सब ने हमने किया, और कोई भी एक भी आरोप हमारे मंत्रिमंडल में 15 साल के रहते विपक्ष ने कभी लगाया, ना कभी उसकी जांच हुई। 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहे, उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद भी एक भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा, ये 15 साल का चमत्कार है। देखना चाहिए, नहीं सबको देखना चाहिए, उनके परिवार को क्यों नहीं देखना चाहिए, केरल के यथार्थ को मुख्यमंत्री क्यों नहीं जानना चाहते, वहां के यथार्थ को जाए परिवार से ही देखें, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तो उनको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस प्रकार तुष्टिकरण की राजनीति और लव जिहाद की राजनीति देश में चल रही है।